खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वाराणसी में प्रियंका गांधी के एक वीडियो पर विवाद हो गया है। वीडियो में अपने गले से माला उतारकर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पहनाती दिख रही हैं प्रियंका। लाल बहादुर शास्त्री को अपने गले की माला पहनाने का वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। वाराणसी में प्रियंका का विवादित वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भोजपुरी की एक कविता के जरिए प्रियंका पर तंज कसा। यूपी सरकार में मंत्री और लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका का वीडियो सामने आने के बाद इसे शर्मनाक बताया। वाराणसी में प्रियंका गांधी की भक्ति, काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक, गंगा की आरती और होलिका की पूजा की। वाराणसी दौरे पर प्रियंका गांधी ने रुद्राक्ष की माला गले में पहनी हुई थी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा यह प्रियंका की निजी आस्था है। प्रियंका गांधी की मंदिर यात्रा पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, कहा कोई मंदिर तभी जाता है जब वो संकट में होता है। प्रियंका गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई है। कांग्रेस ने कार्यक्रम खराब करने का आरोप लगाया। वाराणसी में प्रियंका गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वंशवाद पर वार किया, कहा विनाश नहीं विकास के लिए हमें वोट करें। प्रियंका बोली बीजेपी जितना दबाएगी उतना लड़ेंगे। 25 लाख चौकीदारों से बात करते हुए पीएम मोदी ने किया चौकीदार चोर कहने पर पलटवार, कहा मैं गाली को भी गहना बना लेता हूं। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेताओं ने नेम प्लेट के आगे भी चौकीदार लिखवाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर रिलीज हुआ, 5 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। ओडिशा में सत्ताधारी बीजेडी को झटका, 3 मौजूदा विधायकों समेत 6 नेता बीजेपी में शामिल हुए। जेडीएस छोड़कर बीएसपी में आए दानिश अली को यूपी के अमरोहा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया। अमरोहा पहुंचे दानिश अली ने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, चुनावी रणनीति पर चर्चा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। होली के बाद होगा बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान, आरजेडी 21, कांग्रेस 9, कुशवाहा 4, मांझी की पार्टी 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मनोहर पर्रिकर के असमय निधन और पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में होली नहीं मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी को झटका दिया, पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिंह मोहिते के बेटे रणजीत सिंह पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। 29 मार्च तक लंदन पुलिस के कब्जे में रहेगा नीरव मोदी, भारत के भगोड़े को कल लंदन में किया गया है गिरफ्तार। लंदन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत अर्जी नामंजूर की, कहा जमानत पर छूटने के बाद आरोपी नहीं करेगा आत्मसमर्पण। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी तरीके से 14,000 करोड़ का लोन लेकर फरार होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के तलाशी अभियान के दौरान ही आतंकियों ने गोलीबारी की, मुठभेड़ के दौरान फरार हुए। आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा आतंकियों को बचाने का काम कर रही है इमरान खान सरकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों की गिरफ्तारी की बात करती है लेकिन उनकी कार्रवाई भारत के हवाई हमलों से आतंकियों को बचाने की है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में पीपीपी विधायक ने हिंदुओं को पाकिस्तान का दुश्मन बताया, अल्पसंख्यकों के विरोध के बाद माफी मांगी। 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी रहे असीमानंद समेत 4 आरोपी बरी हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों को मारी गोली, 3 जवानों की मौत। उधमपुर में साथी जवानों पर हमले के बाद जवान ने खुद को भी गोली मारी, हालत नाजुक। कर्नाटक के बीजापुर में नक्सलियों ने बस में किया आईईडी ब्लास्ट, हमले में 1 नाबालिग और 2 गर्भवती महिलाओं सहित कुल 9 लोग जख्मी। मथुरा के कोतवाली इलाके में अराजक तत्वों ने पुलिस पर किया पथराव, इलाके में तनाव है। मथुरा में पुलिस पर पथराव करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। गोरखपुर के बेलघाट इलाके में सरयू नदी में डूबने से 5 छात्रों की मौत। गोरखपुर में सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबे 5 लड़के चचेरे भाई थे, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग से झुलसकर 3 बच्चों की मौत। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सरेआम 2 युवकों की गोली मारकर हत्या।
यूपी के शामली में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, दो बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद। यूपी के मुरादाबाद में रिश्तेदार को फंसाने के लिए एक व्यक्ति ने रची दोस्त की हत्या की साजिश, पत्नी के साथ रिश्तेदार के अवैध संबंध का था शक। महाराष्ट्र के पुणे में 60 साल के बुजुर्ग गिरफ्तार, बुजुर्ग पर 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप का आरोप। महाराष्ट्र के भिवंडी में व्हाट्सएप के जरिए 10वीं का सोशल साइंस का पेपर लीक, 3 दिन पहले साइंस का पेपर भी लीक हुआ था। गुजरात के वलसाड के भिलाड़ रेलवे स्टेशन पर एक युवक करीब 20 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी है पुलिस। इथोपिया में हैदराबाद के कारोबारी की एक बम धमाके में मौत हुई है, खनन कारोबार के सिलसिले में इथोपिया दौरे पर थे। राजस्थान के बारा में चोरी के शक में 9 साल की मासूम की पिटाई, तमाशा देखती रही भीड़ में से किसी ने नहीं बचाया मासूम को। एमपी के दमोह में शराब के नशे में चूर 5 लोगों ने एक युवक को मौत के घाट उतारा, हत्या के बाद सभी आरोपी फरार। एमपी के जबलपुर में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, किसान पर था 2 लाख रुपए का कर्ज। हरियाणा के हिसार में बोरवेल में गिरा 15 महीने का बच्चा, बच्चे को बचाने की कोशिश जारी है। हिसार में बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बचाव काम शुरू किया गया। यूपी के अमरोहा में नकली रसगुल्ले बनाने वाले गिरोह पर छापेमारी, 12 क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद किए। देशभर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्यौहार, एक दूसरे को रंग लगाने के साथ गुजिया खाकर त्यौहार मनाएंगे। सेपई में आज होली मनाएंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और मुलायम सिंह, रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे, परिवार में तकरार के बाद अलग होली मनाते हैं शिवपाल। होली के मौके पर आज गोरखपुर में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवा नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जमकर खेली गई होली, भगवान महाकाल को भक्तों ने चढ़ाया गुलाल। मुंबई के घाटकोपर में आतंकी मसूद अजहर की 25 फीट ऊंची होलिका जलाई गई। मुंबई में मनाई गई आतंकी मसूद अजहर की होलिका को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आग लगाई। एमपी के रायसेन में लोगों ने होलिका में मसूद अजहर का पुतला जलाया। पुराने लखनऊ में होलिका दहन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कानपुर में होलिका दहन में दिखा आपसी सद्भाव, मुस्लिम भी होलिका दहन में शामिल हुए। प्रयागराज में होली की धूम है, सियासत से लेकर देश के अलग अलग हालातों पर लोकगीत गाकर मनाया जा रहा है त्यौहार। गुजरात के सूरत में सारस गांव में होलिका दहन के मौके पर अंगारों पर दौड़े लोग, लोगों का मानना है कि अंगारों पर दौड़ने से पूरी होती हैं अधूरी इच्छाएं। सूरत के वराछा इलाके में होलिका दहन के दौरान 2 गुटों में झड़प, मारपीट में 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में चीन का विरोध, चाइनीज सामान की होली जलाकर विरोध किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, यूनिवर्सिटी के शिक्षक छात्र नेता कार्यक्रम में शामिल। उड़ीसा के पुरी में रेत कलाकार मानस साहू ने रेत की कलाकृति के जरिए पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया। असम की गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होलिका का दहन किया गया, सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीनगर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी से बदला मौसम, बुधवार को करीब 2 घंटे तक बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी मार्च महीने में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर बर्फ की चादर जम गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद बदला मौसम, तापमान में गिरावट से ठंड।